इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो इवोल्यूशन क्या होता है इवोल्यूशन में होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन दी पॉपुलेशन तो यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म और स्पेसिस जिसमें क्या होता है ग्रेजुअल चेंजेस आ जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन की और एक डेफिनेशन है जहाँ पे हम कहते हैं इवोल्यूशन मीन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसिस ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए टू नेचुरल सिलेक्शन तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है ये क्या कहती है इवोल्यूशन में एक न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो फॉर्मेशन हो जाता है किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ कुछ स्पेसिज है या कुछ इंडिविजुअल से तो उनमें क्या होते हैं कुछ कैरेक्टर्स होते हैं तो उस कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं और ये जो चेंजेस आ जाते हैं कैरेक्टर में ये एक साथ नहीं आते बहुत सारी जनरेशन उसके लिए लगती है तो बहुत सारे जनरेशन के बाद वहा पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आते हैं और ये जो चेंजेस आते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आते हैं तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू द दरमेंट तो वहां पे जिस टाइप की एनवायरनमेंट है उसी टाइप का स्पेसिस क्या होता है फॉर्म हो जाता है उसमें कुछ एडेप या चेंजेस आ जाते हैं फॉर दी सर्वाइवल तो ऐसे ही सर्वाइवल के लिए कुछ इंडिविजुअल अपने अंदर तो उसके अंदर कुछ न्यूज चेंजेस आ जाते हैं कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं फॉर सर्वाइवल उससे क्या हो जाएगा इंडिविजुअल है तो उसके बहुत सारे जनरेशन के बाद सेवरल जनरेशन के बाद यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया है जिसके कैरेक्टर्स में चेंजेस आ गए हैं, फॉर द रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सर्वाइवल के लिए इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं तो इस टाइप का अगर कोई इंडिविजुअल फॉर्म होता है एक इंडिविजुअल सेवरल से जनरेशन के बाद तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हो गया है तो ये जो इवोल्यूशन है तो ये किस टाइप का है और हमारी अर्थ पे लाइफ कब आ गई है तो इसके लिए इवोल्यूशन की स्टडी करना जरूरत है तो इवोल्यूशन की स्टडी के दौरान हमें पता चलता है कि अर्थ पे सबसे पहली लाइफ कब फॉर्म हो गई थी तो यहाँ पे अबाउट थ्री पॉइंट फाइव बिलियन ईयर एगो अर्थ पे क्या हो गया था कुछ सिंपल इलेमेंट अर्थ पे जो ओशन से वहां पे फॉर्म हो गए थे तो ये जो सिंपल इलेमेंट है तो इस एलिमेंट से कुछ देर बाद कुछ ड्यूरेशन बाद ये जो एलिमेंट थे उससे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद कुछ जनरेशन के बाद कुछ ईयर के बाद उस सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हो गया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो गया है फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया और इस तरह सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलके एक फर्स्ट सेल तैयार हो गई थी जिसे हम फर्स्ट प्रीमेटिव सेल कहते तो प्रीमेटिव टाइप की सेल बन गई थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से तो ये जो प्रीमिटिव टाइप की सेल बन गई है बाद में उसके और भी सेल बन गए हैं, सेल का नंबर इंक्रीज हो गया है और इस तरह से क्या हो गया है जो पहला जो ऑर्गेनिज्म बन गया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल का था बाद में उसमें सेल का नंबर इंक्रीज हो गया और वैसे यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं प्लांट्स या अदर एनिमल्स आ आते हैं जो बन गए थे from the unicellular organism, उसका हो हो गया गया सेल का नंबर बढ़ और और उसी तरह different, different type की organism और species पे गई थी तो इसमें एनिमल की डाइवर्सिटी की रेंजेस आती है फ्रॉम यूनिसेलुलर आमिपा पैरामोशियम मैन एंड जाइंट फेल एंड लाइक दिस प्लांट की भी डाइवर्सिटी वहां पे फॉर्म हो गई है एंड इट कन सिस्ट असे रेंजिंग फ्रॉम यूनिसोलर क्लोरेला टू दी बनी एंट्री तो इस तरह इवोल्यूशन के दौरान कुछ सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के कुछ सेल्स बन गई उसके बाद कुछ मल्टी सेल्स बन गई और इस तरह से पूरी ये जो धरती पे आज जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है प्लांट की है एनिमल की है तो ये इवोल्यूशन की वजह से आ गई है और ये पूरे धरती पे पूरे अर्थ पे क्या हो गई है फैल गई है फॉर एग्जाम्पल एयर में है लैंड में है वॉटर में है रॉक में है तो सारी जगह पर लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है जो सपोज वहाँ पे कुछ माइक्रोब के फॉर्म में हो या एनिमल के फॉर्म में हो या कोई भी इंसेक्ट हो या प्लांट के फॉर्म में हो तो इस टाइप की जो एनिमल की डाइवर्सिटी है प्लांट की डाइवर्सिटी है ये इवोल्यूशन के वजह से फॉर्म हो गई है पूरी अर्थ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे कुछ इवोल्यूशन की थेरी बताई गई है जहाँ पे कहा गया है जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल था वो था प्रोटोप्लाज्म जो ओशन में फॉर्म हो गया था और ओशन ओशन में फॉर्म होने के बाद वहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए थे देन उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आए लेकिन ये जो चेंजेस थे वो ग्रेजुअल चेंजेस थे एक साथ सारे चेंजेस नहीं आए थे बहुत सारे साल्स लग गए थे करोड़ों ऑफ साल के बाद वहाँ पे यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ चेंजेस आकर इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ गए हैं बहुत साल बीतने के बाद और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया था और ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सालों के कुछ मल्टी डायमेंशनल चेंजेस आ गए थे और उसके वजह से क्या होगा सपोज ये है कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म और इसमें मल्टी डायमेंशनल चेंजेस आ गए ये तो, तो चेंज एक अलग है ये दूसरा चेंज है तो इस तरफ के तरह के अगर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं तो वहां पे एक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी तरह क्या हो गया है इवोल्यूशन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया है और ये जो जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो गई थी प्लांट और एनिमल में फ्रॉम एनसेस्टर तो सपोज एक एनसिस्टर है तो इसमें प्रोग्रेसिव जब डेवलपमेंट हो गई थी और डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस आए कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आए इस तरह से क्या होगा है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया है एक न्यू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है तो इसे ही कहते हैं हम यहाँ पे इवोल्यूशन जो एक है एक एंसिस्टर है कॉमन एंसिस्टर उसके फंक्शन में उसके स्ट्रक्चर में उसकी मॉर्फोलॉजी में अगर कुछ चेंजेस आके एक न्यू ऑर्गेनिज्म पे फॉर्म हो जाता है तो वहां पे हम उसे कहते है इवोल्यूशन होना तो इस इवोल्यूशन के लिए कुछ इविडेंसिस दिए थे यहाँ पे जो इसका फर्स्ट इविडेंस है वो है मार्फोलॉजिकल इविडेंसेस तो ये एविडेंस क्या कहता है एविडेंस कहता है कि जो एनिमल्स है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल तो उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होती है तो ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किस टाइप की होती है सपोज यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखें एक डॉग है एक शीप है और एक अदर एनिमल है फॉर एग्जाम्पल कोई आ, काउ है या अदर कोई एनिमल है तो उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज क्या दिखाई देती है तो उनका जो माउथ है तो माउथ का स्ट्रक्चर किस तरह है इस तरह का होता है डॉग में होता है शीप में होता है एज वेल एज काउ में होता है उनका जो माउथ का स्ट्रक्चर है यह स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल है तो उनके नॉस्ट्रिल यहाँ पे प्रेजेंट होती है तो जो नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर है या ईयर पिन्ना तो कुछ इस टाइप का ईयर पिन्ना होता है कुछ इस टाइप का डॉग में ईयर पिन्ना होता है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है साथ में उनका जो आइस का पोजिशन है तो आइस का पोजिशन कहाँ पे यहाँ पे होता है तो आइस का पोजिशन है या उनके बॉडी पे प्रेजेंट होते जो हेयर से तो वो हेयर्स तो इस टाइप की अगर वहाँ पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज आती है एनिमल में एंड लाइक दिस कुछ प्लांट में प्लांट में भी इस तरह की सिमिलरिटी होती है तो उसका एग्जांपल है सपोज डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है मैंगो का प्लांट है या अदर कुछ भी प्लांट है तो उनका लीप देखिए तो उसका लीप जो होता है इस टाइप का लीप है तो यहाँ पे जो वेनेशन होता है लिप का शेप देखी है उसका वेनेशन देखिए है वेनेशन इसका पेटियोल पेटियोल किस टाइप का है तो ये क्या प्रूव कर देता है कि ये जो सारे स्ट्रक्चरस है इनमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज प्रेजेंट है और इससे ये प्रूव होता है कि इनका जो एक एंसिस्टर है इसका जो ओरिजिन है वो कॉमन है या सेम है तो यहाँ पे एक एंसिस्टर है सपोज और इससे बन गए हैं अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग टाइप के प्लांट इसकी वजह से क्या होता है इनमें जो सिमिलरिटीज है वो दिखाई देते बिकॉज इनके जो पेरेंट थे इन इनका जो ओरिजिन था एनसिस्टर था वो सिमिलर टाइप का है तो ये है फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस देन नेक्स्ट है एनाटोमिकल इविडेंसेज तो एनाकोटॉमिकल इविडेंसेस क्या कहता है ये कहता है कि इनमें किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्पेसिस में एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या होता है इसमें तो इनमें होता है सिमिलैरिटीज इन इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक बोन स्ट्रक्चर और उसके जॉइंट और इनका जो फंक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है फॉर एग्जांपल यहां पे लोकोमोशन अगर इसके एग्जांपल देके तो यहां पे ह्यूमन का हैंड कैट का फोरलीग बैट का पटेजमन वेल का फ्लिपर तो इनमें जो बोन्स होते हैं उनका नेम सेम होता है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका जो फंक्शन है तो ह्यूमन का हैंड भी लोकोमोशन के लिए होता है कैट के फोर लेग हो या बैट का पटेजियम या फ्लिपर की व्हेल तो इसके जो फंक्शन होते हैं वो भी सिमिलर टाइप के होते फॉर दी लोकोमोशन और इनके जो बोन के जॉइंट होते हैं वो भी सिमिलर होते यहाँ पे अगर बोन का साइज कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन इनके जो जॉइंट होते होते हैं वो सिमिलर होते है। तो एनाटॉमिकल एविडेंस भी यही कहता है कि इनके जो एनसिस्टर थे वो सेम एनसिस्टर थे या कॉमन थे देन नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन तो वेस्टिजियल ऑर्गन हम किसे कहते हैं जो ऑर्गन हमारे बॉडी में तो प्रेजेंट होते है लेकिन उनका हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं होता लेकिन इस टाइप के ऑर्गन अगर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसमें उसका यूज होता है इस टाइप के ऑर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन बिकॉज यहाँ पे हम इविडेंसेस देख रहे हैं इवोल्यूशन के तो इवोल्यूशन में एक एंसिस्टर है ये तो इससे बहुत सारे इससे स्पेसिस बन जाते हैं सपोज यहाँ पे हम बात करें अपेंडिक्स के बारे में तो अपेंडिक्स मैन में प्रेजेंट होती है लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता लेकिन यही अपेंडिक्स अगर अदर एनिमल में देखे तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है और वहाँ पे उसका यूज भी होता है उसी तरह मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना ईयर पिन्ना के ऊपर जो मसल्स होते हैं हमारे उनका यूज हम में कुछ नहीं होता लेकिन जो अदर एनिमल है लाइक like मंकी है डॉग है जिनके ईयर पिन्ना के मसल मूव करते हैं उनका क्या होता है वहाँ पे उसका यूज होता है ये क्या प्रूव करता है कि ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये हमें हमें मिले हैं हमारे कॉमन एनसिस्टर से और इसकी वजह से क्या ये हमारे कॉमन एनसिस्टर है जिसकी वजह से हम बन गए हैं या अदर एनिमल्स बन गए तो उनमें भी सेम स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करते लेकिन अदर जो एनिमल है इनमें इन स्ट्रक्चर इन का यूज होता है और इसमें और एग्जाम्पल है ऑफ बोन टेल बोन जो जो कि लास्ट में जब इवोल्यूशन के पहले से पहले ह्यूमन में टेल बोन और टेल प्रेजेंट थी लेकिन बाद में जिस तरह का इवोल्यूशन हो गया है हमारी टेल Disappear हो लेकिन लेकिन में टेल होती है for the balancing. लेकिन इसका जो, जो लास्ट का टीथ होता है हमारे जॉ में जिनका यूज हमें नहीं होता लेकिन अदर एनिमल में बिल्कुल इसका यूज होता है और बॉडी हेयर बहुत सारे एनिमल के बॉडी के ऊपर इंक्लूडिंग मैन तो इनके बॉडी के ऊपर हेयर होती है फॉर द प्रोटेक्शन लेकिन ह्यूमन में अब इस हेयर का कोई भी यूज़ नहीं लेकिन फिर भी उसके बॉडी पर हेयर प्रेजेंट है लाइक अदर एनिमल तो ये है वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे बॉडी में होते हैं उसी तरह अदर एनिमल में भी होते हैं लेकिन हमारे बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं होता लेकिन अदर जो एनिमल्स है उनके बॉडी में जो ये ऑर्गन है उनका यूज़ होता है इस टाइप के ऑर्गन को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन और इस टाइप के ऑर्गन को डिसपेयर होने के लिए बहुत साल लगते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इनका डिसपेयर हो जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह अपेंडिक्स है यह ईयर मसल्स और यह टेल बोन देन नेक्स्ट है इविडेंस जो पैलेनोटोल पैलेनोटोलॉजिकल इविडेंसेस तो ये जो पैलेनोटोलॉजिकल इविडेंसेस है इनमें क्या करते हैं हम फॉसिल का स्टडी करते है. में हैं फॉसिल स्टडी में हमें क्या करना पड़ता है जो डेड रिमेंस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनका स्टडी करना होता है और इनके थ्रू हमें जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है या डेड हो जाता है तो उसके बॉडी में जो कार्बन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी फोर्टीन है वो डी के होना स्टार्ट होता है डेड के बाद लेकिन जब डेड हो जाती है ऑर्गेनिज्म की और सी का डी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसके कैलकुलेशन के थ्रू वो जो मरा हुआ ऑर्गेनिज़्म है वो कितने साल पहले मरा था उसका हमें पता लग सकता है तो ये जो फॉसिल का स्टडी है इसमें इस से हमें पता लग गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बहुत साल पहले अर्थ पे प्रेजेंट थे लेकिन वो मर मरने के बाद उनके कुछ फॉसिल इविडेंसेस मिल गए हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमसे पहले भी इस दुनिया पे या इस अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे बिकॉज ये जो फॉसिल इविडेंसेस है ये यही प्रूव करते हैं तो ये जो फॉसिल इविडेंसेस है इसके थ्रू एक मेथड के थ्रू इसका डिटेक्शन हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन डेटिंग मेथड है जो कि कार्बन का डी के जब स्टार्ट हो जाता है तो कैलकुलेशन उसका करके जो कार्बन की हाफ लाइफ है उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कब मरा था तो ये जो मेथड है ये डेवलप की थी विलाट लिबी साइंटिस्ट ने 1960 में तो इनको नोबेल अवार्ड भी मिल गया था इसके लिए दे नेक्स्ट है एविडेंस जिसे हम कनेक्टिंग लिंक कहते है हैं तो कनेक्टिंग लिंक क्या होती है कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है अगर कोई भी प्लांट या एनिमल क्या करता है दो दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ अगर कोई भी रिलेशन दिखाता है कोई भी कैरेक्टर में सिमिलरिटीज होती है तो उसे हम कहते हैं उन दो एनिमल के बीच में से कनेक्टिंग लिंक तो यहाँ पे दो एक एक ऑर्गेनिज्म है एक ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी और ये थर्ड ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कनेक्टिंग लिंक कह रहे है तो इसमें क्या होता है इस ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टर्स होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कनेक्टिंग तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में की कनेक्टिंग लिंक है बिकॉज इसमें इसके भी कैरेक्टर है और इसके भी कैरेक्टर है तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखे वो है पेरीपैटस का जो कनेक्टिंग लिंक है एनिलीड एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में तो इसमें क्या है जो एनिमल है पेरीपैट तो उसमें क्या होता है उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होते है, -like है लाइक एनिलिड जिस तरह के एनिलिड में बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह उसमें स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम तो है वो आर्थरोपोड की जैसे होते तो ये जो एनिमल है वो कनेक्टिंग लिंक है एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड की उसी तरह और एक एनिमल है डक बिल्ड प्लेटिपस तो ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल एंड मैमल के बीच में से बिकॉज इट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक रेप्टाइल एंड मैमल्स जो रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है एग लेंग और मैमल की कैरेक्टरिस्टिक है मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो इसमें दोनों कैरेक्टर है तो ये जो एनिमल है वो मैमल और रेप्टाइल के बीच में क्या है कनेक्टिंग लिंक दिखाता है और लास्ट का जो एविडेंस है जिसे हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं तो इस एविडेंस के से क्या पता लगता है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है सिमिलैरिटीज दिखा देती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एम्ब्रियो है फिश का है सैलामेंडर है का है चिकन का है पिक का काउ का रैबिट का और यहाँ पे लास्ट में मैन का भी है तो ये जो सारे एम्ब्रियो आप देख रहे हो तो इनकी इनिशियल स्टेज देखिएगा तो इनिशियल स्टेज में क्या दिख रहा है ये जो सारे एम्ब्रियोस है इनिशियल स्टेज में इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक सा एक जैसे ही दिख रहे तो यहाँ पे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यही कहता है कि ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है इनके इनिशियल स्टेज एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलर है तो ये इनका है जो कॉमन ओरिजिन से ये आए हैं इनका एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर है तो इस तरह के इवोल्यूशन में इतने सारे इविडेंसेस के थ्रू यहाँ पे प्रूव हो गया है कि इवोल्यूशन हो गया है और हो रहा है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डार्विन की थेरीज